बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोरेंट मैट्रिसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक नोट रीड आउट किया कि हमने कहा था कि जो आपका रिलेटिविस्टिक नोट देख लेते हैं एक दफ़ा से, जो आपका रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस है वो इनवेरिएंट होता है ऑल इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर, डी एस स्क्वायर डी एस टिल्डा स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको आपने आगे प्रूव भी करना है, वहाँ से आप उसका प्रूव देखेंगे, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी टर्म को हम देखेंगे यहाँ पे, इनवेरियंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइट कोन। ये लाइट कोन की इक्वेशन थी जो इनवेरियंस रहती है ऑल इंडस्ट्रियल फ्रेम्स में, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज दिस जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। अगर मतलब जी आई जे आपका मीट्रिक टेंसर होता है, इसके अलावा जी एक्स आई डी एक्स जे इसको हम डिफाइन करते हैं। और ये ट्रिल सिस्टम में भी इक्वल होगा, ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होती हैं। और ये जो जी आई जे है ये मीट्रिक टेंसर है, और ये मीट्रिक टेंसर कहाँ पर हमने देखा था, मिनकोस्की मीट्रिक में, या मिनकोस्की स्पेस हैज अ मीट्रिक टेंसर हम कहते हैं। अब मिनकोस्की स्पेस के अंदर हमने एक मैट्रिक्स लिखी थी, मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के अलावा कंपोनेंट थे। जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो आपके पास G11 था, जो था एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू 1 थी, बाकी ये G22 G33 ये -1 थी, बाकी ये सारे नॉन डायगोनल टर्म 0 थी। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो जी आई जे है आपके पास, ये वाली जो फॉर्म है इसका जो G11 है वो यहाँ पे -1 होना चाहिए, एंड G22 G33 बाकी -1 होना चाहिए, बाकी नॉन जीरो कंपोनेंट जो है वो 0 है। अब ये जी आई जे उन्होंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपके अब जो डी एक्स आई फॉर्म लिखी है इसको ओपन कर लेते हैं। डी एक्स आई फॉर्म के लिए आपने कंट्रावेरिएंट फॉर्म ओपन कर लेनी है टिल्डा सिस्टम में, या तो ए आई, और उसके लिए जो हमने टर्म इंट्रोड्यूस कराई वो यहाँ पे जे और एक्स ए आई जे और एक्स जे। अगर ए आई के लिए इंट्रोड्यूस कराई है तो हम डी एक्स जे के लिए भी कर सकते हैं, तो हमने लिख लेना। अब देखें, अगर हमारे यहाँ पे जे यूज़ कर रहे हैं ए आई जे एक्स जे, तो हमारे पास अगली टर्म है ही जे वाली है, तो दोनों सेम हो जाने दी। इसलिए जो हमने डी एक्स आई के लिए कराई, जो हमने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कराई उसको हमने आर का नेम दे दिया, ए आई आर एक्स आर ए आई आर डी एक्स आर। अभी हम डी एक्स आर को देखते हैं। फिर उसी तरह से जो आपके पास जो दूसरी टर्म है डी एक्स जे, इसके लिए ए जे एस डी एक्स एस, मतलब डी एक्स आई के लिए ए आई आर डी एक्स आर, और ए डी एक्स जे के लिए ए जे एस डी एक्स एस टर्म्स लिखी। अब ये डी क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास डी एक्स आई था इसलिए हमने ये डी एक्स आर ओ डी एक्स एस लिखा है। ये डी एक्स आर ओ डी एक्स एस इसी टर्म से देख के लिखा है, यहाँ डी एक्स जे था ना, तो हमने जब आर में इसको चेंज कर लिया तो ये डी एक्स आर की फॉर्म में लिखा। अब ये डी एक्स आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपस ये टर्म्स बाकी बच गई हैं। अब देखें यहाँ पे आई और जे डमी है, जब आप डमी आपके पास टर्म्स होती हैं तो आप उसको क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आई और जे डमी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई आर डेल्टा जे एस। अब आई जे डमी है तो आई जे जब इक्वल होंगे तो आंसर 1 आएगा, तो आप बस जो मेन टर्म बाकी बच जाएगी वो आई जे तो 1 हो जाएंगे, बस जी आर और एस रह जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। राइट हैंड साइड भी ये टर्म्स एज इट इज आपके पास साथ में आ जाएंगी। अब देखें इस फॉर्म को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, ए ट्रांसपोज जी ए इक्वल टू जी, मतलब कि आप ये टर्म्स अगर ए ट्रांसपोज जी इस तरह से इसके इक्वल है ना, तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है, मतलब आपके पास ये वाली टर्म ए है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास ए आई आर का ट्रांसपोज लेते हैं आप, तो आपके पास जो टर्म आएगी वो ए जे एस, एंड देन इस जी आई जी को वो जी मैट्रिक्स कह रहे हैं, इसका ए ट्रांसपोज और इसे ए, और ये जो जी आर एस है वो जी के इक्वल है। ये टर्म्स ये सिंपल लोरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो इस ये वाली इक्वेशन जो है वो लोरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स फॉर्म है। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, मजीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब ये वाला आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रख लेना है, इसके आगे एक क्वेश्चन भी है ऐसा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये जो आपके पास फॉर्म बनी है जी आर एस जी आई जे आई आई आर ए जे एस, इसके अंदर क्योंकि आपके पास आई जे यहाँ पे डमी है, तो हम आर एस के लिए वैल्यूज देंगे सबसे पहले। अब आपने सबसे पहले कंडीशन में आर और एस दोनों को ज़ीरो वैल्यू देनी है। जब आप आर और एस को ज़ीरो वैल्यू देंगे, आपके पास ए आई ज़ीरो ए जे ज़ीरो होगा, फिर
आप देन ये टर्म्स ए आई ज़ीरो ए जे ज़ीरो, इसको आप लिख सकते हैं ए ज़ीरो का स्क्वायर। तो आपने क्या किया, फिर आई जे को वैल्यू देना स्टार्ट कर दें, आई जे ज़ीरो, फिर आई जे वन, आई जे टू, आई जे थ्री। जब आपने आर और एस को ज़ीरो वैल्यू दी, आपके पास अभी ऊपर वाली टर्म छोड़ दें, आप बस ए ज़ीरो बना और इसका हमने स्क्वायर लिख लिया। अब आई जे को इसमें वैल्यू दें, अब मेरे पास आर एस तो ज़ीरो ही आना है हर केस में, ए ज़ीरो ए ज़ीरो ए ज़ीरो ए ज़ीरो लिख लिया। फिर अपर टर्म को वैल्यू दें, आई और जे को ज़ीरो वैल्यू दी, फिर ये ए ज़ीरो ज़ीरो का स्क्वायर, आई जे को वन वैल्यू दी तो ए वन ज़ीरो का स्क्वायर, ए टू ज़ीरो का स्क्वायर, ए थ्री ज़ीरो का स्क्वायर। और ये टर्म जो है ना वो वन के इक्वल आनी चाहिए, ये हम ये जो वन के इक्वल आनी चाहिए ना वो हमने इस जी को देख के लिखना है, जी ज़ीरो ज़ीरो फॉर्म ऑफ प्लस वन के इक्वल होगी। सिमिलरली जब आपने आर और एस को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे वैसे हम आर और एस को ए, क्योंकि आपके पास आई जे तो यहाँ पे डमी इंडिसेस हैं, तो आई जे को तो हम 0, 1, 2, 3 अपर इंडिसेस को वैसे ही वैल्यू देंगे जैसे अपर इक्वेशन में दी है। लेकिन यहाँ पे आपके पास आर और एस को आप वैल्यूज़ जो देंगे वो 1 दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस टर्म्स के टर्म के लिए और आर और एस को जो नेम दिया वो जे दिया। मतलब आप आर और एस को 3 टाइम इंक्रीज़ करेंगे आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होंगी उसके लिए। क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा आगे इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी, तो उसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग कर दी, आपने उसको ध्यान से सुनना है। आप जे को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जे ये नहीं कि आर और एस को वन ही वैल्यू देंगे, आप जे को 1, 2, 3 वैल्यू देंगे, ठीक है। आप जे सबसे पहले आपने अपर टर्म तो लिख ली 0, 1, 2, 3, और इसकी टर्म्स के लिए हमने जे लिखा, पहले हम जे को 1 वैल्यू देंगे, फिर जे को 2, फिर जे को 3। क्वेश्चन से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर अगली वाली इक्वेशन के अंदर आप दोनों वैल्यूज़ कभी भी सेम नहीं रखेंगे, मतलब आप आर 0 रखेंगे, एस 1 रखेंगे, या आर 1 रखेंगे, एस 0 रखेंगे, आपके पास डायमेंशन सिस्टम पे ये होगा, या आपके पास कितना 3x3 मैट्रिक्स है या 4x4 मैट्रिक्स है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने आर और एस को यहाँ पे कैसी वैल्यूज देनी है। ये आपके पास इसकी फॉर्म है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। आप 4x4 मैट्रिक्स डेट प्रिजर्व क्वाड्रेटिक फॉर्म, आपके पास कोई भी 4x4 मैट्रिक्स है जो कि अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, और अगर वो इस ए ट्रांसपोज जी ए मतलब कि सिंपल लोरियंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स फॉर्म को ओबे करती है तो वो लोरियंट्स कहलाती है। या सिंपल कोई मैट्रिक्स अगर लोरियंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स फॉर्म को ओबे करती है तो वो लोरियंट्स कहलाएगी। सेट ऑफ लोरियंट्स मैट्रिसेस फ्रॉम अ ग्रुप, अब आपके पास जो भी लोरियंट्स मैट्रिक्स बनेगी ना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो लोरियंट्स मैट्रिक्स आएगी वो एक ग्रुप बनाएगी अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉल्ड द लोरियंट्स ग्रुप। और अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से वो एक ग्रुप बनाएगी और उसको आप लोरियंट्स ग्रुप कहेंगे। अब आपके पास सिंपल लोरियंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल लोरियंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास ये 3-4 इक्वेशन हैं, क्योंकि आप टेंसर एनालिसिस पढ़ें, ये आपके पास जो कोर्स अभी हम पढ़ रहे हैं ना ये स्पेशल रिलेटिविटी का वो एक अलहदा बुक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई हैं स्पेशल रिलेटिविटी की, तो आपके पास लोरियंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की ये जो इक्वेशन है इतनी डिटेल से यहाँ पे डिस्कस नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसको नोट डाउन किया था, लेकिन वो इतना अच्छा आपके पास क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर वहाँ पे गैमास के कंसेप्ट थे साथ, तो वो थोड़ा सही था, बीन ऐसी इक्वेशन जो है वो ड्राइव नहीं होती है, तो इसलिए मैंने इसको मजीद नोट तो किया था लेकिन वो साथ ड्राइव नहीं किया। अगर आप उसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, नीचे मैं उसको PDF जो है वो ड्राइव में अपलोड कर दूँगी, आप चेक कर लें उसे फिर। तो ये है हमारे पास सिंपल लोरियंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं आपने याद रखनी है, हम नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन है डी एस स्क्वायर जिसमें हमने इन वेरियंस को प्रूव करना है, उधर भी हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करना है फर्स्ट टू वैल्यूज़ को, एंड देन आपके पास क्वेश्चन के अंदर शायद आई थिंक सो कहीं है ये क्वेश्चन में तो कन्फर्म है, ये वैल्यूज़ हैं एक्सटिल्डा 0, एक्सटिल्डा 1, एक्सटिल्डा 2, एक्सटिल्डा 3 की। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्योंकि आप एक्सटिल्डा 0 से एक्स 0 पे जा रहे हैं और ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म आप 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये डायगनल टर्म 0 सेम होगी और नॉन डायगनल टर्म की ये वाले कंपोनेंट सेम होंगे, बाकी 1/1 आएंगे। और ये जो बीटा होता है आपने इसको याद रख लेना कि बीटा वी ओवर सी के इक्वल होता है और वी इज इक्वल टू बी सी होता है, आपसे MCQ आ सकता है और ये एक रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। अब बीटा वी ओवर सी के इक्वल है ना, मतलब आप यहाँ पे एक और बात याद रख लें, यहाँ पे वो टर्म्स नहीं लिखी है, ओके कहीं नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट में बताएंगे। चले आपके पास ये बीटा जो है वो वी ओवर सी के इक्वल है, अभी हम इसके इवेंट्स देखेंगे फिर मैं आपको बात एक्सप्लेन करती हूँ। अब कोई भी 4x4 मैट्रिक्स जिसकी फॉर्म
ए स्केयर माइनस बी स्केयर 1 के इक्वल है, वो किस तरह से 1 के इक्वल होता है, मतलब आपके पास ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। और अगर ये 1 के इस तरह की कोई भी फॉर्म है जिसके ये डायगनल टर्म सेम और नॉन डायगनल टर्म की ये वाली टर्म सेम होंगी, तो इसका सिंपल लोरेंट्स एंड रिलेटिव वेलोसिटी इज रिकवर्ड एज, उसके जो बीटा वैल्यू होगी वो माइनस बी ओवर ए होगी, जैसे वी ओवर सी थी ना आपके पास लास्ट इक्वेशन के लिए, वी ओवर सी बीटा इज इक्वल टू वी ओवर सी होता है, तो इसके लिए आपके पास बी माइनस बी ओवर ए होगी। अब जो अब इसी का इन्वर्स ले लें, या तो आपके पास सिंपल लोरेंट्स फॉर्म आ गई है, आप इसी इक्वेशन का इन्वर्स ले लें, तो इन्वर्स में आपने क्या करना है, आपके पास ये जो बी टर्म है इसको माइनस बी से रिप्लेस कर लेंगे, तो आपके पास इसका इन्वर्स आ जाएगा, विच इज ये भी एक सिंपल लोरेंट्स मैट्रिक्स होगी जो कि माइनस बीटा को कोरस्पॉन्ड करिए। अगर अब यहाँ से अब मेन कंसेप्ट क्या है लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का, लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन कहता क्या है कि अगर आप एक इवेंट से दूसरे इवेंट में मूव करते हैं तो उसकी उसका जो इन्वर्स है ना वो भी आपके पास एक सिंपल लोरेंट्स फॉर्म ही आती है। तो अगर आप वेलोसिटी ओ टिल्डा से, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ टिल्डा से विद रिस्पेक्ट टू ओ ओ की तरफ मूव करिए और उस टाइम उसकी वेलोसिटी वी है, तो देन द अब उस टाइम ओ टिल्डा से ओ में मूव करिए तो ओ टिल्डा के टाइम पे उसकी वेलोसिटी वी है, लेकिन जब वो ओ में मूव करेगी तो वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ टिल्डा नेगेटिव भी हो जाएगी, जैसे हमने इसको इन्वर्स लिया तो आपके पास नेगेटिव भी आया। इसके बाद आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज हैं सिंपल लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन सबसे पहले है, टाइम डायलेशन है। लेंथ कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन में फर्स्ट लाइन लिखी है फॉर एनी फिक्स्ड एक्स जीरो, एक्स ज़ीरो आपने फिक्स कर लेना है। एक्स ज़ीरो के फिक्स करने का मतलब है, अब आपको कंसेप्ट आपने इसको किस तरह से याद रखना है, जब आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है ना, मतलब लेंथ तो कॉन्ट्रैक्ट होगी होगी, आपके पास एक टर्म यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाइम की, मतलब अगर आप टाइम अगर आपका इंक्रीज हो रहा है ना तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ये आपका कोई लॉ भी है। अगर आप मज़ीद इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो गूगल से कुछ ऐसा सर्च कर लें, आपको कुछ ना कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अगर टाइम इंक्रीज होता है ना तो आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, और टाइम का इंक्रीज होने का क्या कंसेप्ट है, मैंने आपको लास्ट टाइम इवेंट्स के बारे में डेफिनेशन दी थी कि अगर आप एक इवेंट से दूसरे इवेंट में मूव करते हैं तो आपके पास स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट या सारी डेफिनेशन हमने रीड आउट की थी, तो अब यहाँ पे भी यही है, अगर आप एक इवेंट से दूसरे इवेंट में मूव करते हैं तो आपके पास एक इवेंट अगर आप रेस्ट से किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहे हैं तो आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, टाइम कॉन्स्टेंट होगा। ये जो फिक्स्ड एक्स नॉट है ना, इसका यहाँ पे मतलब है कि आपके पास जो एक्स नॉट है मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है तो टाइम फिक्स है। सिंपल लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसकी ये जो इक्वेशन है वो ये आएगी, डेल्टा एक्स वन वन माइनस बीटा स्केयर डेल्टा एक्स वन, एक्स टिल्डा से हम एक्स वन के सिस्टम में मूव किया और इधर से आप डेल्टा एक्स वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वन माइनस बीटा स्केयर डेल्टा एक्स वन इसकी वैल्यू आ जाएगी। और वो कहता है कि जो डेल्टा एक्स टिल्डा वन होता है ना हमेशा डेल्टा एक्स वन से डेल एक्स वन से सॉरी छोटा होता है, डेल्टा बोल दिया मैंने काफ़ी जगह, डेल एक्स वन से लेस देन होता है। अब लेस देन का केस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू वी आवर सी है, वी आवर सी है ना, तो वी क्या होता है आपके पास, वी तो आपके पास वेलोसिटी और सी होता है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट का ना डीप रिलेशन है, मतलब आपके पास अगर स्पीड ऑफ लाइट आपके पास डिक्रीज होती है तो आपके पास वेलोसिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो इस तरह से आपके पास डेल्टा एक्स टिल्डा वन की वैल्यू डेल्टा एक्स डेल एक्स वन से हम कह सकते हैं कि लेस है। अगर फ्रेम ओ मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे विद रिलेटिव टू ओ, ओ टिल्डा है सॉरी, ओ टिल्डा सिस्टम जो है वो मूविंग एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू ओ, डिस्टेंस इन ओ टिल्डा अपीयर टू ऑब्जर्वर टू रन स्लो। अच्छा, अब आप एक ओ टिल्डा सिस्टम है, अब आप जो ऑब्जर्वर है ना वो ओ सिस्टम के अंदर है, आप ऑब्जर्वर ओ टिल्डा सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब वो देख रहे हैं कि उसके अंदर जब वो उसके अंदर वेलोसिटी या कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, वो क्या चीज़ ऑब्जर्व करेगा लेंथ कंट्रैक्शन के केस में, वो ऑब्जर्व करेगा कि ये जो फैक्टर है ना वन माइनस बीटा स्केयर ये रन स्लो कर रहा है, इसकी मूवमेंट की वजह से सारी लेंथ कंट्रैक्शन पे डिपेंड उस पर डिपेंड कर रही है, जिसकी वजह से एक्स नॉट जो है वो इस टाइम पे फिक्स है। अब आपके पास ये दो इवेंट्स हैं, इवेंट का मतलब यही ये होता है, देखिए आपके पास एक्स ज़ीरो वन एक्स वन वन
x2 1 x3 1, यहाँ पास दो इवेंट्स हैं, इवेंट यहाँ पे डिस्क्राइब हैं। लास्ट टाइम भी हमने इवेंट्स की डेफिनेशन में देखा था, लोकेशन और टाइम के लिए हम इवेंट्स होते हैं, फर्स्ट टर्म जो है x0² एट ए टाइम एंड रिमेनिंग टर्म कार्टीजियन सिस्टम जो है वापस लेंथ के लिए। अब ये जो आपस फर्स्ट एक टर्म है ये टाइम की वैल्यू है, बाकी आपस लोकेशन ऑफ लोकेशन के लिए है। सेकेंड इवेंट के लिए भी यही है, इवेंट की के लिए हमने लास्ट टाइम आई थिंक सो मैंने आपको बताया था कि जो आपस वन वन नीचे लिखे हैं ना, ये इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब आप एक इवेंट से टू 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 दूसरे इवेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप बस x0 x1 x2 x3 उसकी वैल्यूज़ हैं, और ये 111 का मतलब है कि आप एक इवेंट से टू दूसरे इवेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। इस टाइम आपके पास x0 फिक्स है। अब x1 की वैल्यू आप जब एक इवेंट से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करते हैं, तो आप बस ये जो वैल्यूज़ हैं हमने लास्ट टाइम जो देखी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में, ये वही वाली वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हुई हुई है, क्योंकि आप x1 सिस्टम ले रहे हैं, तो आपके पास वहाँ पर इक्वेशन x0 थी, x0 थी, आपने उसके रिस्पेक्ट से अपनी टर्म्स को लिखना है। अब आपके पास x1 इक्वेशन है, आपने वो वाली वैल्यू लिखी, फिर आपके पास x1 विद रिस्पेक्ट टू टू है, मतलब आप सेकेंड इवेंट में मूव कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बस है तो x1 की इक्वेशन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे टू लगाएंगे जब आप टू इवेंट में, और जब आप वन इवेंट में हैं तो आप यहाँ पे वन लगाएंगे। ठीक है, आपने उस टर्म्स को अच्छे से देख लेना, जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास डेल्टा डेल x1 आ जाएगा, x2 - x1 करेंगे, आप बस ये वाली इक्वेशन की फॉर्म बन के आएगी। अब ये वाली इक्वेशन में जो डेल x0 है ना, ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा। क्यों जीरो को अप्रोच कर जाएगा? जब आप मतलब आप किसी भी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आप ये नहीं कि आप दोनों आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज जो हैं वो रेस्ट में ही हैं, या दोनों रेफरेंसेज जो हैं वो मूविंग फ्रेम में ही हैं। ऐसे होता है कि आप रेस्ट फ्रेम से मूविंग फ्रेम की तरफ मूव करते हैं, या आप मूविंग से रेस्ट फ्रेम की तरफ मूव करते हैं। तो जब आप इस केस के अंदर आप क्या करें, आपका x0 फिक्स है, तो आप रेस्ट फ्रेम से मूविंग फ्रेम की तरफ जब आप मूव कर रहे हैं, तो उस केस के लिए आपके पास ये जो डेल्टा x0 है ये फिक्स था, और ये भी फिक्स था, तो ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा, आपके पास इसकी ये वाली वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। इसके बाद आपके पास टाइम डायलेशन में हमने x1 को फिक्स कर दिया, x1 को फिक्स किया, तो आपके पास जो डेल x0 की वैल्यू, x0 की जो वैल्यू है वो ये है 1 - β² डेल x0 - β(x1) वैल्यू थी, वो टाइम डायलेट करेगा तो वो चेंजिंग आएगी इसके अंदर। उसी तरह से हम कहेंगे कि टिल्डा सिस्टम से आपके पास ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है, वही लेंथ कंट्रेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। आप मूविंग फ्रेम में हैं, वो टिल्डा मूविंग फ्रेम में, ऑब्जर्वर को क्या पता चलेगा क्या वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वेलोसिटी उस टाइम कैसे चेंज हो रही है। और वो टाइम डायलेशन के केस में वो ऑब्जर्वर वही चीज़ चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि वो रन स्लो कर रहा है उसी फैक्टर की वजह से, 1 - β² की वजह से। अब आपके ये जो दोनों टाइम डायलेशन में लेंथ कंट्रेक्शन में ये जो लाइन आई है, आप MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर की वजह से टाइम डायलेट करता है, रन स्लो करता है। आप इसका इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन चेक करें x1 इवेंट के अंदर और x2 इवेंट के अंदर। x1 इवेंट के अंदर आपके पास जो उसकी वैल्यू है, x2 के अंदर जो वैल्यू है, दोनों लिख लें। x1 के अंदर वैल्यू थी -β(x1) - 1 - β², लेकिन वो कहता है इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आपके पास जो वैल्यूज थी वो मैं अगर रीड आउट करूँ, तो आपके पास x1 में वैल्यू थी -β(x0 + x1). तो इन्वर्स में जब आप जाएंगे तो बीटा को -β से रिप्लेस कर देंगे, -β(x0) था तो वो +β(x0) हो जाएगा। अब आपका x0 1 था तो x1 1 हो गया, एंड देन आपके पास जो सेकंड वैल्यू थी वो x1 थी, तो आपके पास x0 1 का केस है तो 0 1। इसी तरह से आपके पास x0 2 के लिए भी आपने उसी तरह टर्म्स को चेंज कर लेना है। आपके पास x0 के लिए जो वैल्यू थी वो थी x0 - β(x1) / 1 - β². ठीक है, उसी तरह से आपने यहाँ पे आपके पास -β(x2) - x02 ओके वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे, आपस इन्वर्स लॉरेंट्स आ गया, आपने इसको माइनस करना है, आपस ये केस आएगा, ये टर्म अगेन जीरो को अप्रोच कर जाएगी, आपस डेल्टा x0 की वैल्यू आ जाएगी। और टाइम डायलेशन के केस में आपने जो मेन टर्म याद रखनी है वो ये फॉर्मूला याद रख लें, और ये फैक्टर याद रख लें कि किस फैक्टर की वजह से ये होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, होप सो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जीमेल के थ्रू कर सकते हैं, जो पॉइंट नहीं समझ आता नीचे कमेंट कर दिया करें कि हमने आपको मैसेज किया है, ताकि मैं आपका इंस्टाग्राम से मैसेज चेक कर लूँ। काफ़ी कम यूज़ करती हूँ, तो इसलिए कमेंट कर देना ज़रूरी है उस पर करने के लिए। आप वहाँ मुझे पिक सेंड कर लें आपका जो भी प्रॉब्लम है, देन आई विल अगेन वॉइस मैसेज के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।